कोई सीटों की गिनती नहीं करी। हमारा पूरा इरादा है कि इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुमत में आए और भारत सरकार बनाए। सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। कोई तारीख यहां पर बताना संभव नहीं होगा। सीट शेयरिंग जितना जल्दी या जितना पहले हो जाता है उतना अच्छा होता है। देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। कांग्रेस गठबंधन समिति के अध्यक्ष मुकुल वासनिक ने गठबंधन का ब्यौरा पार्टी नेतृत्व को सौंपने के बाद कहा कि अब घटक दलों से बातचीत जल्द से जल्द होगी। कांग्रेस नेतृत्व सीट बंटवारे को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। हमने कोई सीटों की गिनती नहीं करी। हमारा पूरा इरादा है कि इंडिया अलायंस आने वाले लोकसभा चुनाव में बहुमत में आए और भारत सरकार बनाए। ये सीट शेयरिंग को हम पूरी प्राथमिकता दे रहे हैं। कांग्रेस का नेतृत्व इसे प्राथमिकता देता है। आप इसी से समझ लीजिए कि हम कितने तेजी से इस पर हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं। कोई तारीख यहां पर बताना संभव नहीं होगा। कांग्रेस पर सहयोगी दलों का दबाव लगातार जारी है। जेडीयू के छोटे मोटे नेता भी सीट शेयरिंग में देरी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। देर तो बहुत हो गया, सीट शेयरिंग में भी देरी हो गई, समय पूरा बर्बाद हो गया। अब वो लोग जाने ना, फैसला पहले लेना चाहिए था ना, पहले लेते तो कुछ खेल और होता। अब हम लोग देर हो गया ना, अगला एनडीए सारा चीज तैयारी कर रहा, हम लोग बैठे हाथ बना रहे। सबसे ज्यादा दबाव तो नीतीश की ओर से ही आ रहा है। अभी गठबंधन में सीटों का बंटवारा हुआ नहीं है, लेकिन नीतीश ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। नीतीश ने रूही तांगुंग को अरुणाचल पश्चिम सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। अरुणाचल पश्चिम सीट से अभी बीजेपी के किरेन रिजिजू सांसद हैं। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहा था। अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां 2019 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। सत्ताधारी बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीट जेडीयू के पास ही थी, लेकिन बाद में सभी जेडीयू विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। अब लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार उतार कर जेडीयू ने अपना जनाधार वापस पाने की कोशिश शुरू की है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस की दावेदारी को दरकिनार कर नीतीश ने अपना उम्मीदवार उतारा है, क्योंकि गठबंधन पर दबाव बनाने की नीतीश की ये दूसरी कोशिश है। इससे पहले बिहार विधान परिषद के सभापति ये देवेंद्र चंद्र ठाकुर को नीतीश ने सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जेडीयू का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सीट पर आरजेडी से भी कई दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन नीतीश ने एक तरफा फैसला कर दिया। नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स से कांग्रेस बैकफुट पर है, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस नीतीश को गठबंधन का संयोजक बनाने को तैयार है। दो दिन पहले होने वाली वर्चुअल बैठक अब आज होनी है, और इस बैठक में नीतीश के नाम पर फैसला हो सकता है। नीतीश कुमार जी का जो ऑरा है, जो शख्सियत है, जो उनका काम है, और जिस तरह के लोग मैंने देखा, हजारों की तादाद में मुबारकबाद दे रहे हैं, वो कोई हवा में तो नहीं दे रहे हैं। उनकी पहचान है, उन्होंने बिहार को एक नया रास्ता दिया, अच्छा रास्ता दिया, गुड गवर्नेंस किया है। हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और नीतीश जी का रोल पहले भी डिफाइंड था, आज भी डिफाइंड है। तो अलायंस पार्टनर्स छोटे हों, बड़े हों, किसी भी साइज के हों, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके साथ चीज़ों को रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। दो चार दिन की बात, इंतजार कीजिए। हालांकि बीजेपी नीतीश के संयोजक बनने को मुंशी का काम बता रही है। देखिए, नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन अब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा, और थमा दिया झुंझुना, संयोजक बनाने जा रहा है। और संयोजक का काम क्या, मुंशी का काम है टेलीफोन करके सूचना देना, मीटिंग बुलाना, कोऑर्डिनेट करना, यही तो काम है। बीजेपी कह रही है कि नीतीश को कौन पूछ रहा है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है। शायद इसलिए नीतीश के एनडीए जाने की भी अटकलें लग रही है। इन्हीं अटकलों के बीच गुरुवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मुलाकात की। दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन इतना तो तय है कि तेजस्वी ने नीतीश से ये जरूर पूछा होगा कि आखिर उनके मन में क्या है। नीतीश को संयोजक बनाने का मुद्दा बीजेपी को पच नहीं रहा। उसका कहना है कि संयोजक तो वही बनता है जिसके सबसे ज्यादा नंबर है, फिर नीतीश को कौन पूछेगा। और कौन पूछने वाला नीतीश कुमार को, 44 विधायक के नेता हैं,
ममता बनर्जी के 225 विधायक हैं और बंगाल के अंदर क्या सीपीएम और ममता बनर्जी में समझौता करा सकते हैं? बीजेपी ममता बनर्जी और सीपीएम के समझौते की बात कर रही है, लेकिन यहां ममता और कांग्रेस के बीच ही तलवारें खींची हुई है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे, ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है। हमें आप अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते, ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। अगर उनको लगता है कि ममता बनर्जी माननीय प्रधानमंत्री और भाजपा के सेवा में लगे हुए हैं, तो ममता बनर्जी को इंडी जोट में इंडी अलायंस में क्यों लिया? आपको अगर हिम्मत हो ना अधीर बाबू, यहाँ पर नाटक ना करके उनको बोलिए दिल्ली जाकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने ये बात बोलने के लिए, कांग्रेस सारा भारत में चोरी किए है, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चोरी किए है। आप लोग का पेट से ना टीएमसी का जन्म हुआ है, आप लोग सब एक है। इंडिया गठबंधन की अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी खुश है। देखो ये जो इनका गठबंधन है ना, ये हमने बार बार एक ही बात में कहता हूँ कि ये थोक में जो है वो झगड़ा और रिटेल में झप्पी भी नहीं दिखाई पड़ती, तो ये सब चीज़ें हैं। और आज जो है वो इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, कौन इनका लीड करने वाला है, कौन इनका संयोजक है। अभी तो इसी में झगड़ा चल रहा है कि संयोजक कौन बनेगा। तो इसलिए हम एक बात समझ लेना चाहिए कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक हाथ एक शख्स के हाथों में डर घर नहीं होता। तो यहाँ तो किसी के हाथ में घर है नहीं, सभी जो है वो उठा पटक में लगे हुए हैं। मोदी जी से लड़ते लड़ते आपस में भिड़ रहे हैं पहले। Then what is the need of election now? If they are very much to about 400 seats they are getting, no need of election brother. Elect people will decide. This is not the Congress or BJP is to going to decide this much seats. People of India will decide who is going to win, who is going to lose. 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो रहा विपक्ष, अभी आपस में ही एकजुट नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी का मुकाबला कैसे करेगा।